विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत से जीत दर्ज करने के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल रविवार को एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। केजरीवाल के शपथ ग्रहण समारोह में शिक्षकों को बुलाने पर सियासत गर्मा गई है। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल शिक्षकों को जबरन शपथ ग्रहण में बुला रहे हैं, जिस पर आम आदमी पार्टी ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी शिक्षकों का सम्मान करना सीखना चाहिए। नई दिल्ली रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वीके यादव ने शुक्रवार को कहा कि जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर में एक दशक से भी ज्यादा समय से लंबित राष्ट्रीय महत्व वाली रेलवे परियोजनाओं को 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। यादव ने कहा कि अगले 5 साल में रेलवे की प्राथमिकता 50 बेहद जरूरी परियोजनाओं को पूरा करने और क्षमता बढ़ाने की है, ताकि 1500 नई ट्रेनों को लाया जा सके। बिहार में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने विवादित बयान के बाद राज्य की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। तेजस्वी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर विवादित बयान दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तेजस्वी ने नीतीश कुमार को लेकर कहा कि वह चूहे की तरह बिल में घुसे रहते हैं। इसके पूर्व दोनों दलों के बीच पोस्टर वॉर भी हो चुका है, जिसमें आरजेडी ने प्रदेश को लहूलुहान बताया था और नीतीश को शिकारी बताया था। इस पर जेडीयू ने भी लालू प्रसाद को ड्रग्स ऑफ बिहार बता दिया था। मुरादाबाद नागरिकता संशोधन कानून के प्रदर्शन में शामिल होने पर धारा 140 का उल्लंघन करने के आरोप में मुरादाबाद जिला प्रशासन ने शायर व कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी को नोटिस भेजा है। नोटिस में 1,40,00,000 और 8,000 रुपए के जुर्माने की बात कही गई है। प्रशासन ने मुरादाबाद ईदगाह में चल रहे प्रदर्शन पर 13,42,000 प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माने का नोटिस भेजा है। बता दें कि मुरादाबाद में 23 जनवरी से प्रदर्शन चल रहा है। नई दिल्ली केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दिल्ली विधानसभा चुनावों में बीजेपी को मिली हार को लेकर बड़ा बयान दिया। पुणे में शुक्रवार को उन्होंने कहा कि कांग्रेस का अचानक गायब हो जाना ही दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार का कारण है। उन्होंने अपनी बात के समर्थन में तर्क दिया कि इससे बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच सीधा मुकाबला हो गया। गौरतलब है कि अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली पार्टी ने दिल्ली विधानसभा की 70 में से 62 सीटें जीती, जबकि बीजेपी महज 8 सीटें ही जीत पाई। सोशल मीडिया पर धूम मचाने का शौक युवाओं पर भारी पड़ रहा है। गुरुवार देर शाम गोंडा में कचेरी रेलवे स्टेशन पर पहुंचे 3 दोस्त टिकटॉक बना रहे थे। स्टेशन पर एक मालगाड़ी खड़ी हुई थी और टिकटॉक बनाने के चक्कर में एक युवक अमित सिंह 19 वर्ष मालगाड़ी के डिब्बे पर चढ़ गया। मोबाइल को सेल्फी स्टाइल में पकड़कर मालगाड़ी के डिब्बे पर टिकटॉक बनाने लगा। इस दौरान वह मालगाड़ी के ऊपर से गुजरी हाईटेंशन लाइन तारों की चपेट में आ गया और बुरी तरीके से झुलस कर गिर गया। घर में अकेले रहने वाले बुजुर्गों का यूपी 112 पुलिस हर रोज हाल चाल लेगी। शुक्रवार को कानपुर में परेड चौराहे पर गश्त के दौरान डीआईजी अनंत देव ने सभी थानेदारों को यह निर्देश दिया है। डीआईजी अनंत देव ने बताया कि 90 बाइक और 50 रिस्पांस वाहनों पर करीब 900 से ज्यादा पुलिस कर्मी 2 शिफ्ट में तैनात हैं। अभी तक इनकी भूमिका केवल तत्काल घटना स्थल पर पहुंचकर स्थिति नियंत्रण में करने की है। बोधगया में थाईलैंड की राजकुमारी ने महाबोधि मंदिर में की पूजा अर्चना। महारानी ने भारतीय मीडिया कर्मियों को कवरेज करने पर रोक लगाई, किसी भी पत्रकार को उनकी तस्वीर लेने की अनुमति नहीं दी।
उनकी तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किया गया था। सूत्रों ने बताया कि महारानी ने भारतीय पत्रकार को तस्वीर लेने के लिए रोक लगाई गई है। राजकुमारी ने जिला प्रशासन को जानकारी दी कि भारतीय पत्रकार कोई भी उनकी तस्वीर नहीं ले। गया शहर के गांधी मैदान में नोवा पुस्तक मेला सह सांस्कृतिक महोत्सव का उद्घाटन किया गया। पुस्तक मेला का उद्घाटन गया के साहित्यकार व समाज सेवियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। यह मेला 14 फरवरी से 23 फरवरी तक चलेगा। इस पुस्तक मेला में लगभग विभिन्न साहित्यकारों की किताबों के 50 स्टॉल लगाए गए हैं। अंग्रेजी व उर्दू व बच्चों के लिए एक से बढ़कर एक किताबें मौजूद हैं। चौदह फरवरी युवाओं के लिए वैलेंटाइन डे के रूप में भले उत्सवी जोश लेकर आती हो, लेकिन बहमी के लिए इस तारीख के मायने कुछ और ही हैं। यमुना किनारे बसे बहमई में ठीक 39 साल पहले 14 फरवरी 1981 की शाम जब फूलन देवी ने गिरोह के साथ हमला किया था, तो वो शाम के घरों में हमेशा के लिए बड़ा अंधेरा पैदा कर गई थी। उस वक्त कोई गिरोह जब भी यमुना नदी पार करके जालौन या कानपुर की सीमा में प्रवेश करता था तो अक्सर बहमई से होकर ही निकलता था। फूलन ने गांव को घेर कर करीब 26 लोगों को बंधक बनाया था। सभी को गांव के बाहर लाकर गोलियां मारी गई थी। 20 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। दो ने बाद में दम तोड़ दिया। पुलिस रिकॉर्ड में मृतक आंकड़ा 20 तक ही सीमित रहा। डाकू के निशानों पर रहे 22 ग्रामीणों में 19 ठाकुर, 2 कठेरिया और 1 मुसलमान थे।